हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल हब। एक अननोन पर्सन सर्कुलर अरेंजमेंट के पजल के साथ आज हम सब हैं और यह पजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होप सो कि आप सब आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे, राइट। देखिए, एसबीआई को फॉलो करती है आईबीपीएस और एसबीआई ऐसा पजल हर हमेशा पूछा करती है और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह पजल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे इस पजल को सॉल्व किया जाएगा, क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत एक तरीके से समझने वाला पजल है और समझे अगर 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 आप इसे समझ जाते हो तो डेफिनेटली आपके लिए 5 मिनट या 7 मिनट बहुत होगा, राइट। तो चलिए समझते हैं और कैसे इसे सॉल्व करना है यह भी देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सीटिंग इन द सर्कुलर मैनर एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ये आपको बताया गया, सभी के सभी सेंटर की तरफ होंगे एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेस इन द कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ द 4 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां तक बस समझना है आपको कि मान लीजिए आपका सर्कल है ऐसा, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑर्डर में 4 का इंक्रीज हो रहा है, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सपोज आप मान लीजिए पर्सन ए यह है, दूसरा पर्सन बी यह होगा, सी यहां होगा, डी अगर यहां हुआ, ई यहां हुआ, तो मान लीजिए ए और बी के बीच में डिस्टेंस अगर 4 है, ठीक है, 4 मीटर है, तो बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो इंक्रीज हो रहा है और 4 के मल्टीपल में इंक्रीज हो रहा है, तो ये 8 हो जाएगा और वो भी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में। ये चीज समझिएगा, ये ए से बी का डिस्टेंस अगर आपने 4 लिया तो बी से सी का डिस्टेंस आपका 8 मीटर हो जाएगा एंड सी से डी का डिस्टेंस आपका 12 मीटर हो जाएगा और डी से ई का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। समझ गए, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। Such that the distance between the first person sitting and the last person sitting around towards the anti-clockwise direction is maximum. अब समझिएगा क्या बताना चाह रहा है यह। मान लीजिए कि यह 16 हुआ, यह जो next आएगा यह 18 हो जाएगा, sorry 18 नहीं, यह 20 हो जाएगा, फिर आप next आए तो यह आपका क्या 24 हो जाएगा और यहां पर फाइनली आपका क्या 28 हो जाएगा। तो देखिए, जो ये first person था आपके लिए A, ये आया E, ये F और ये फिर आपका जी आ जाएगा। तो ए और जी के बीच में जो डिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट पर्सन आपका जी हो रहा है और फर्स्ट पर्सन ए हो रहा है, इन दोनों के बीच में जब आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए, आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो देखिए आपका डिस्टेंस सबसे ज्यादा जो होगा वह इसी दोनों पर्सन के बीच में होना है, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है और ये लास्ट पर्सन है और एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपका इस दोनों के बीच में हो रहा है। यही चीज यह पॉइंट बता रहा है, ठीक है। लास्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन सिटिंग गोइंग टुवर्ड्स दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज मैक्सिमम। यहां तक समझने में आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल अराउंड विच दे आर सिटिंग इज 260 मीटर। क्या बताया गया है कि जो सर्कमफ्रेंस है और जिस पर ये सभी पर्सन बैठे हुए हैं, इनका जो डिस्टेंस होगा वह 260 मीटर है। मतलब जो आउटर पोर्शन हो रहा है आपका, जिसपे की सभी पर्सन आपके बैठे हुए हैं, ये जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा सर्कमफ्रेंस का 260 मीटर दिया गया है। ये भी समझने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। एंड इट इज नोन दैट द 5 पर्सन अमंग देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स। अब क्या बताया गया है कि इसमें ऐसे 5 व्यक्ति हैं, टोटल 5 पर्सन आर देयर, जिनके द्वारा कुछ फ्रूट्स लाइक किया जाना और वो फ्रूट्स आपको मेंशनड है, ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड पपाया, ठीक है। यहां तक आपको इंफॉर्मेशन था जो कि आपको समझना था। अब देखिए, एक छोटा सा और बात बताया गया कि मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पर्सन इज नॉट मोर देन 48 मीटर। मतलब देखिए कि अगर पहला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति, द फर्स्ट पर्सन एंड लास्ट पर्सन डिस्टेंस जो आपने लिया वो 28 मीटर आया था हम लोगों को, और ये चीज कभी भी आपका क्या 48 से क्रॉस नहीं करना चाहिए, मतलब 48 अबव नहीं होना चाहिए। गॉट दैट, ये आपको बस दिमाग में रखना है कि 48 अबव नहीं होना चाहिए। रेस्ट हम लोगों को इसको जो इंफॉर्मेशन दिया जाना है उसको फॉलो करना है, ठीक है। यहां तक तो आपका दिया गया था जो आपको फॉलो करना है। अब देखिए, यहां से इंफॉर्मेशन है कि ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक बनाना, पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो मुझे ये रब कर देना चाहिए क्योंकि ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिया। अब देखिए, यहां पर से पहला इंफॉर्मेशन के थ्रू हम सब चलते हैं। लेट मी रब दिस। अब देखिए, पहला इंफॉर्मेशन क्या था कि ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट वन हु लाइक बनाना। मान लीजिए कि बनाना के इमीडिएट लेफ्ट में आपका ये इमीडिएट लेफ्ट और सभी के सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जब सेंटर की तरफ हैं तो बनाना के इमीडिएट लेफ्ट में ई होगा, जो भी पोजिशन हम लोग ई के ले लें, डजंट मैटर, बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका दिया हुआ है सारा का सारा, ठीक है। ई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट वन हु लाइक बनाना, ये क्लियर हो गया। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन द वन हु लाइक पपाया
एंड सी टेकन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द सी. अब सेंटर की तरफ है तो मतलब आपके लेफ्ट नॉर्मल लेफ्ट होगा. अगर सी के लेफ्ट में जाएं और उनके और पपाया के बीच में अगर आप डिस्टेंस देखें या नंबर ऑफ पर्सन देखें, डिस्टेंस नहीं नंबर ऑफ पर्सन होगा, जो वो क्या बताया जा रहा है, इज टू मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन देम व्हेन टेकन फ्रॉम द राइट ऑफ सी. मतलब क्या है समझिएगा, छोटा सा बात है कि जब आप सी के राइट में जा रहे हैं तो राइट आपका ये हो जाएगा, ये राइट जब जा रहे हैं और जब ये राइट आप जब ये लेफ्ट जा रहे हैं और इसमें कॉमन आपका क्या हो रहा है, पपाया का टर्म हो रहा है, तो ये टर्म आपका लेफ्ट साइड में, अगर राइट साइड में एक्स है तो लेफ्ट साइड में आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा. दो ज्यादा होना है आपका लेफ्ट साइड में जब आप सी से काउंट कर रहे हैं पपाया, तो इनके बीच में नंबर ऑफ पर्सन दो ज्यादा होगा. यहां तक भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए. फिर आगे है कि पर्सन हु लाइक मैंगो इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक ऑरेंज. देखिए ऑरेंज का जो भी पोजीशन बने उनके सेकंड राइट पोजीशन में आपका क्या बताया गया है, मैंगो होगा. एक डेफिनेट तरीके का इंफॉर्मेशन है, इसको हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है. एंड ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ई एंड ए टेकन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए. अच्छा अगर ए के लेफ्ट में चला जाए, लेफ्ट डायरेक्शन में चला जाए और ई और ए के बीच में देखा जाए आपका नंबर ऑफ पर्सन, तो वह ओनली वन होना है. ठीक है ओनली वन होना. और यह भी क्या, ए के लेफ्ट में जब आप जा रहे हैं ई के पास, ठीक है ये इंफॉर्मेशन भी क्लिक. अब क्या है कि एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, देखिए ये एक और बात है, टेकन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड इज 52 मीटर. ए और ई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वह क्या बताया गया आपको, 52 मीटर होगा, ये आपका डिस्टेंस है. ठीक है डिस्टेंस कर दीजिए, नहीं तो फिर पर्सन डी हम लोग समझ लेंगे इसको. सी लाइक्स बनाना, एक और डेफिनेट इंफॉर्मेशन, क्या सी के द्वारा जो है वह बनाना लाइक किया जाना. और सी से अच्छा खासा रिलेशन हम लोगों को दिया हुआ था पपाया का टर्म, ठीक है लेफ्ट और राइट दोनों समझिएगा, बस समझना है आप लोगों को. सी लाइक्स बनाना एंड डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम इट्स इमीडिएट नेबर इज मोर देन 30. अब क्या बताया गया कि डिस्टेंस जो ए का होना है अपने इमीडिएट नेबर से वह 30 का होना है. और एक टर्म आप लोगों को और दिया गया था कि किसी भी दो पर्सन के बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वह 48 को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब नॉट मोर देन 48. एंड बिटवीन ए एंड ए इमीडिएट नेबर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट इज मोर देन 30. What is more than 30? ठीक है ना. तो एक बात तो समझ में आ गया कि A suppose आपका person ये है और उसका immediate neighbor ये दोनों होता है और इन दोनों के बीच में जो आपका distance होगा वो क्या होगा, एनी टाइम प्लस 30 रहना है. ठीक है डिस्टेंस बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक ग्रैप्स इज 28 मीटर. डी और ग्रैप्स के बीच का जो डिस्टेंस आपका होना है यह क्या बताया गया है, 28 मीटर होगा. ये सपोज आपको 28 मीटर ले लेना है. ठीक है एंड द वन हु लाइक पपाया सिट्स नेक्स्ट टू नाइदर वन हु लाइक ऑरेंज नॉर वन हु लाइक ग्रैप्स. मतलब क्या बताया गया कि पपाया जो है वह ना ही आपका इमीडिएट नेबर होगा ग्रैप्स के और ना ही इमीडिएट नेबर किसके होना है, ऑरेंज के. तो दूसरा इंफॉर्मेशन ये एक मिला जिसमें नाइदर का कंडीशन लगा है हम लोगों को, पपाया ना ग्रैप्स का नेबर होगा ना ही ऑरेंज का नेबर होगा. सी इज नॉट इमीडिएट नेबर वन हू लाइक मैंगो. सी और मैंगो एक दूसरे का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता है. ठीक है ये आपका हो गया एडजेसेंट, यहां पर लगा दीजिए ये पोर्शन भी एडजेसेंट लगा दीजिए ताकि आप समझ जाए इजीली. डिस्टेंस बिटवीन द वन हू लाइक मैंगो एंड द वन हू लाइक ग्रैप्स इज मल्टीपल ऑफ 16. देखिए ग्रैप्स और जो मैंगो का डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, ग्रैप्स और मैंगो का जो डिस्टेंस होगा ये आपका क्या होना है, मल्टीपल ऑफ 16 होना है. जो भी जैसे 16, 32 इस तरीके का मल्टीपल आपका बनेगा. एंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन डी एंड ई इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड द वन हु लाइक ऑरेंज. देखिए क्या बताया गया है, इस अगर देखा जाए तो कुछ जो ज्यादा समझने का तो पॉइंट यह है नहीं कि नंबर ऑफ पर्सन डी और ई के बीच में जो होगा वही सेम आपका ई और ऑरेंज के बीच में होगा और बताया गया कि ऑरेंज डी नहीं होगा. तो रहने दीजिए, इसको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बस एक लास्ट स्टेटमेंट आपका बचा था. अब देखिए जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे क्लिक किया जाए या कैसे इंप्लीमेंट किया जाए. सपोज आपने ये एक सर्कल लिया, इस सर्कल में अगर नंबर ऑफ पर्सन ए के बारे में जो बताया गया था आपको, क्या ए के लेफ्ट में आपका ई होगा और दोनों के बीच में गैप जो है या नंबर ऑफ पर्सन जो है वह वन होना है. मान लीजिए ये नंबर ऑफ पर्सन वन होगा, ये ए का पोजीशन हम लोगों ने ये लिया और ई का पोजीशन आपका क्या हो जाएगा ये. अब ए के लेफ्ट में ई आ रहा है,
ए के लेफ्ट में ई होगा नंबर ऑफ पर्सन वन, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अभी 52 होगा। मतलब ये जो आपका डिस्टेंस दिया गया था ये 52 मीटर दिया गया था। अब यहां पर समझने का पॉइंट एक है, समझिएगा तभी आप इस पजल को बना भी सकते हैं। ए और ई के बीच में डिस्टेंस हम लोगों को कितना मिला, 52 मीटर मिल गया है। मतलब आपको कंजेक्यूटिव ऑर्डर में यह चीज करना है। अब देखिए क्या आप करेंगे, जब ए और ई के बीच में 52 मीटर का आपको डिस्टेंस मिला है, इसका क्या मतलब, आपको क्या बताया गया 52 मीटर है। अगर 4 का आपका कंसेक्यूटिव ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा था, सपोज यह पर्सन अगर एक्स होगा डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स प्लस 4 हो जाएगा डिस्टेंस, समझ रहे हैं। नेक्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब x प्लस 8 हो जाएगा। मतलब एक बात तो तय है कि ये जो डिस्टेंस आपका है ये 52 है, और हम लोगों को a से ये जो पर्सन होगा इसके बीच का डिस्टेंस x मिल रहा है, और नेक्स्ट वाले पर्सन के बीच का डिस्टेंस x प्लस 4 मिल रहा है। यही चीज आप करिए कि x प्लस 4 अगर मिल रहा है, ये चीज आपको वैल्यू दिया हुआ है 52 मीटर। अगर यहां से 2x और ये अगर 48 निकलता है, मतलब x इज इक्वल टू व्हाट आपको मिल जाएगा, 24 मीटर। अगर ये वैल्यू आपको 24 हो गता है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और इस तरीके से मान लीजिए आप कि 28 इसको भी दे दिए या फिर 24 इसको भी दे दिए, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन 24 और 28 होगा ये कंफर्म है। और आपको क्या बताया गया था कि ए का इमीडिएट नेबर जो है उसके बीच का डिस्टेंस मोर देन 30 होना है, और ये आपका 24 ही दे रहा है, मतलब आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन कभी भी नहीं बन सकता है। कब, जब हम लोग x और x प्लस 4 के कंडीशन से 24 और 28 निकाल रहे हैं, मतलब 24 28 का कंडीशन नहीं बनेगा। तो बनेगा क्या, देखिए क्या बनेगा इसको समझना है। ये तो क्लियर हो गया, नहीं बनेगा। अब अगर मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका, अगर ये डिस्टेंस आपका 4 होता है, तो ये डिस्टेंस जो बनेगा ये कितना बन जाएगा आपका 4, तो मैं कहने के लिए बता रहा हूं, अगर ये समझिएगा ये 4 होता है, क्योंकि यहां पर तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है। ये अगर 4 होता है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। ठीक है, ये 48 हो जाएगा। अगर ये डिस्टेंस आपका 8 हो जाता, अगर ये डिस्टेंस 8 होगा, तो ये डिस्टेंस आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपका 44 निकल जाएगा। ठीक है ना, अगर 4 है तो 48 हो रहा है, 8 है तो आपका 44 हो रहा है, और यही चीज अगर 12 हो जाएगा तो आपका कितना डिस्टेंस निकल जाएगा, यह 40 निकल जाएगा। इस तरीके से कुछ पॉसिबिलिटी बन सकता है। मतलब क्या कहना चाह रहा था मैं, कि अगर आपके पास डिस्टेंस 4 होता है तो दूसरा डिस्टेंस आपको 48 चाहिए, अगर डिस्टेंस आपका 8 होता है तो दूसरा डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, 44 चाहिए, अगर डिस्टेंस 12 होता है तो दूसरा डिस्टेंस आपको क्या चाहिए, 40 चाहिए। अब इस तरीके से समझ लिया आपने। अब समझिएगा कि अगर यह डिस्टेंस 4 है तो नेक्स्ट डिस्टेंस आपका 8 होगा, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस आपका क्या निकलेगा, यह आपका क्या निकल जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर यहां से आप जाएं तो आपका 16 होगा, फिर ये आप देखें तो आपका क्या निकल कर आएगा, 20 आ रहा है, फिर ये चीज आपका क्या आएगा, 24 है, 28 है, 32 है, और फिर फाइनली 36 है। ये आपका डिस्टेंस क्या निकल कर आ रहा है, सपोज 40 हो जाएगा, और यह डिस्टेंस आपका क्या निकल कर आएगा, 44 हो जाएगा, और फिर आपका जो फाइनल डिस्टेंस है ये 44 अगर निकलता भी है तो ये क्या हो जाएगा आपका, 48 हो जाएगा। मतलब अगर 4 हम लोगों ने लिया तो 48 तक पहुंचने के लिए हम लोगों को टोटल कितना हो रहा है, सपोज आपके पास ये 1 है, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, ये आपका 10 हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार मैं इसको रब करके पूरा अच्छे से आपको ये क्लियर कर दूं, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि कैसे ये पॉसिबल जो बन रहा है केस, इसको कैसे एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या बताया गया था कि जो हम लोगों को केस मिल रहा था 448, ठीक है, 844 और 1240, ये चीज समझना होगा आपको। मैं पहला वाला कंडीशन थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा, रेस्ट कंडीशन आप बहुत इजीली समझ जाइएगा। हम लोगों ने क्या लिया, ये कंडीशन अगर ए लिया हम लोगों ने, तो नेक्स्ट ए और ई के बीच का जो गैप था वो 1 था, ठीक है, 1%। यहां पर ई हम लोगों ने लिया, अगर ये 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट जो आपका बनेगा वो 8 होगा, नेक्स्ट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 12 बन रहा है, फिर आपका क्या 16 बन रहा है,
ये 20 हो गया, ये 24 हो गया, ये 28 हो गया, फिर आपका ये 32 हो रहा है, 36 हो रहा है, 40 हो रहा है, और ये पोर्शन आपका क्या हो रहा है, 44 हो रहा है, और फिर जो फाइनली आपका ये डिस्टेंस निकल कर आएगा ये 48 होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, या फिर आप देखें तो जो आपका सर्कल में कितना बन रहा है, ये एक गैप एक दो बन रहा है, तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मतलब टोटल नंबर जो बन रहा है वो आपका 12 बन रहा है इस कंडीशन में। अगर आप इसका निकालें तो कितना टोटल जो आप डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे, क्योंकि सर्कमफ्रेंस आपको 260 मीटर दिया गया था, 260 मीटर दिया गया था और टोटल आपका 12 बन रहा है। अगर आप इस चीज को एडिशन करें तो देखिए आपका क्या निकल कर आएगा, पहला टर्म आपका 4 है और जो आपका कंसेक्यूटिव ऑर्डर में लिया गया जो डिफरेंस है वो अभी तो आपका 4-4 का गैप है, मतलब 448। अगर इसका डायरेक्टली आप लोगों को ये पता होगा कि ये तो ऐसे भी निकल जाएगा, 448 अगर निकालें तो 52 निकल रहा है, 52 और डिवाइडेड बाय 2, और यह चीज आपका क्या हो जाएगा इंटू 12, क्योंकि हम लोग को टोटल टर्म जो निकल रहा है वो 12 निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 224 26, 26 इंटू 12, मतलब 26 इंटू 12 का जो वैल्यू आपको मिलेगा वह कितना मिल जाएगा आपको, ये चीज देखना है 6 to 12, ठीक है। ये फिर आप देखें तो 2 to 4 6, मतलब ये 1 हो रहा है, 2 to 4 और ये 1, मतलब 312 आपको मिल रहा है, और आपको सर्कमफ्रेंस जो दिया गया था वो 260 मीटर दिया गया था, मतलब ये सर्कमफ्रेंस तो आपका ज्यादा हो जाएगा अगर आप 4 के डिस्टेंस से लेकर चलते हैं। तो यही समझना है आपको, अगर आप यही 8 के डिस्टेंस से लेकर चलते हैं, मान लीजिए यह 8 के डिस्टेंस आपका हुआ तो 8 के कारण आपको 44 तक बनेगा, ठीक है, और ये आपका टोटल कम कितना हो जाएगा, ये देखिए 44 तक बनेगा, तो आपका ये 48 वाला और ये 4 वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप 8 यहां पर देने वाले हैं और फाइनली जो आपको मिलेगा वो 40 यहां पर मिलेगा, तो आपका दो टर्म घट जाएगा और ये टर्म आपका क्या 10 निकल कर आ जाएगा। और यही चीज आप 26 इंटू 10 जब आप करेंगे तो यहां के वैल्यू में आपको क्या 260 मिलेगा, सर्कमफ्रेंस आपको यहां पर क्या मिल रहा है 260 मिल रहा है, और यही चीज दिया भी गया था आपको 260 मीटर। अगर आप यही चीज 12 में चेक करें, समझना है आपको, 12 अगर होता है तो आपका क्या निकल कर आएगा, 12 अगर है तो ये चीज आपका क्या हो जाएगा माइनस 2 और हो जाएगा, ये 8 मिल जाएगा क्योंकि आपको 40 में ही मिल जाता हुआ। अगर यह चीज आपका 8 हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको 26 इंटू 8, और यह तो 260 से कम हो जाएगा, और 260 से कम हो जाएगा मतलब अब अगर हम सब आगे बढ़ते हैं 8 से 12 गए, 12 से 16 अगर जाते हैं तो आपको कम वैल्यू मिलेगा, और इस वैल्यू में आपका सर्कमफ्रेंस सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब क्या कि हम लोगों को जो मिल रहा है 8 और 44 वाला टर्म मिल रहा है, कैसे इस चीज को करना था बस आपको यही समझना था, रेस्ट अभी यहां पर हम सबों को पता चल गया कि ये जो वैल्यू होगा वो 8 और 44 में सही निकलेगा। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों को 8 और 44 में ही मिलेगा। मान लीजिए आपका सर्कल कुछ ये रहा, ठीक है, सपोज ए का पोजीशन आपने यहां पर लिया था, बीच में जो ये डिस्टेंस होगा कोई एक पर्सन है, और यहां पर आपको ई का ले लेना है गैप, ठीक है, ए और ई के बीच में जो अभी गैप बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, यहां पर ये डिस्टेंस आपका 8 निकल कर आ रहा था और फिर ये आपका क्या 44 निकल कर आ रहा था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यही चीज यहां पर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका ये 16 हो जाएगा, फिर आपका ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 24 है यहां पर, फिर फाइनली आपका 28 है, और यहां पर आपका 32 होगा, फिर ये चीज आपका क्या होगा 36 होगा, ये चीज आपका 40 हो रहा, और फिर प्लस 4 करने के बाद आपका 44 मिल जाएगा, मतलब जो आपका गैप मिल रहा था, ठीक है, वो इस तरीके से इस ऑर्डर में बनेगा 8 और 44 वाला। अब देखिए क्या बताया गया था, आइए बनाना के इमीडिएट लेफ्ट में ही बताया गया था, मतलब बनाना का कंडीशन कहां पर निकल कर आ जाएगा, ये बनाना आपका हो जाएगा, तो बनाना आपका ये हो गया, ठीक है, ये समझना था, बनाना यहां हो गया। अब क्या है देखिए, हम लोगों को ये पता था कि सी बनाना है, मतलब सी का जो सिचुएशन निकलेगा वो यहां पर पोजीशन बनकर आएगा। अब देखिए आइए कि एक बात था कि सी के जो राइट में पोजीशन बन रहा है और जो लेफ्ट में पोजीशन बन रहा है पपाया के कंपैरिजन वो एक्स प्लस टू और एक्स वाला बन रहा था आपके पास। देखिए अगर सी का पोजीशन छोड़ दिया जाए और पपाया का पोजीशन छोड़ दिया जाए तो आपके पास टोटल तो यहां पर अभी 10 बन रहा था, और 10 बन रहा है इसका मतलब अगर इन दोनों पोजीशन को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास पोजीशन क्या टोटल नंबर ऑफ
एट बनकर आएगा, एट बनकर आएगा। और यही चीज था, अगर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक्स है और लेफ्ट साइड में एक्स प्लस टू है और यह चीज एट बनकर आ रहा है, मतलब आपके पास क्या हो गया, ये टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स और एक्स इज इक्वल टू थ्री, मतलब x का वैल्यू अगर आपको 3 निकल रहा है तो राइट साइड में अगर पपाया से आप 3 बिटवीन होता है, इन बिटवीन 3 पर्सन होता है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, x प्लस टू इज इक्वल टू 5 पर्सन हो जाएगा। मतलब देखिए आपका c ये है 1 2 3, मतलब पपाया आपका जो पोर्शन बनेगा राइट साइड से c के वो ये बनकर आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पपाया हो जाएगा। अगर आप इसके लेफ्ट से चलिए तो 1 2 3 4 और 5 पर्सन हो रहा है, और यही चीज आपको बताया भी गया, अभी ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्या हो गया कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर हो गया यहां पर कि कैसे इसको आपको सेटिस्फाई करना था, x पपाया c ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब क्या बताया गया आपके पास इंफॉर्मेशन, a से जो नजदीक में पर्सन होगा उनके बीच में 30 से ज्यादा है, ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया, ये दो पोर्शन हम लोग निकल लिए। ऑरेंज के सेकंड राइट में मैंगो, ऑरेंज हम लोगों को चाहिए, a e ये भी डिस्टेंस हो गया 52, ठीक है, c बनाना हो गया क्लियर, d और ग्रैप्स के बीच में बताया गया है आपका डिस्टेंस जो होगा वो 28 होगा। अगर d का पोर्शन पता करना है आप लोगों को तो ग्रैप्स के बीच में जो डिस्टेंस बनेगा 28 कब बन सकता है, सपोज आपका 28 जो बनेगा वो क्या, एक तो पहला पोर्शन यहां पर बन जाएगा, ये दोनों पर्सन के बीच में जो डिस्टेंस आपका बनेगा वो क्या बनेगा, 28 बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि एक 28 आपको यहां बनेगा, दूसरा 28 कब आपका बन सकता है, जब 16 और 12 होगा, मतलब दोनों पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा ये 16 और ये 12 के बीच में डिस्टेंस बनेगा, ये 28 का बनकर आएगा। ठीक है, मतलब 16 और 12 अगर आप देखें तो आपको 28 बन रहा है और 28 यहां से मिल रहा है। अब आइए, दो पॉसिबल केस बन सकता है, अगर d सपोज यहां पर आप रखते हैं तो d आपको यहां रखना होगा, ये पोर्शन आपको d रखना होगा और यहां, या फिर ये पोर्शन d तो नहीं रह सकता है, d आपको ये रखना होगा और पपाया और यह ग्रैप्स का पोर्शन ये था, ग्रैप्स यहां होगा। अब एक कंडीशन था, ठीक नीचे देखिए पपाया और ग्रैप्स आपका एडजेसेंट कभी नहीं बन सकता, मतलब ये कंडीशन तो आपका बनेगा ही नहीं, अगर ये नहीं बनेगा इसका क्या मतलब कि यहां पर ग्रैप्स और डी का पोर्शन नहीं बन सकता है, तो ग्रैप्स और डी का पोर्शन आपका कहां बनेगा, यहां। अब एक ही पोर्शन बन सकता है कि डी आपका यहां होगा, तो ई के लिए आपको क्या देना पड़ जाएगा, ग्रैप्स देना पड़ जाएगा, ग्रैप्स आपका क्लियर हो गया यहां पर। अब आइए, ग्रैप्स और मैंगो हम लोगों को दो दिया हुआ था, देखिए ग्रैप्स और मैंगो के बीच में मल्टीपल ऑफ 16 है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये क्लियर करने के लिए हम लोगों को थोड़ा मैंगो सेटिस्फाई करना होगा, और मैंगो कब सेटिस्फाई होगा, आपका ऑरेंज के कारण सेटिस्फाई होगा। ठीक है, अब आइए देखिए, आप लोगों को एक चीज और दिया हुआ था यहां पर। अब देखिए, एक जो हम लोग को स्टेटमेंट लास्ट में दिया गया था, नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में नंबर ऑफ पर्सन आपका क्या है, 1 है, मतलब आगे क्या बताया गया था, ई और ऑरेंज के बीच में भी नंबर ऑफ पर्सन आपका 1 हो जाएगा और ऑरेंज डी लाइक नहीं करेगा, मतलब आप वापस तो रिटर्न नहीं जा सकते क्योंकि डी ऑरेंज लाइक नहीं कर रहा है, आपको नंबर ऑफ पर्सन 1 रखना है डी और ऑरेंज के बीच में, तो एक बात कंफर्म हो गया कि ए को आपको क्या देना होगा, ऑरेंज देना होगा, तभी आपका नंबर ऑफ पर्सन 1 होगा। ठीक है, ये आपका ऑरेंज हो गया क्लियर यहां पर। अब आइए, ऑरेंज जैसे क्लियर होगा, ऑरेंज के सेकंड राइट में मैंगो हो जाएगा, तो फर्स्ट और ये सेकंड राइट में आपका क्या हो गया, मैंगो यहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज के सेकंड राइट में मैंगो ये सेटिस्फाई हो गया, सी मैंगो नहीं है, बिल्कुल सी मैंगो आपका बन भी नहीं रहा है। ठीक है, ग्रैप्स और मैंगो के बीच में जो बताया गया था आपको नंबर, ये जो मल्टीपल ऑफ 16 है, ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, बस आपको ये चेक करना है। देखिए मैंगो यहां है और ग्रैप्स आपका यहां है, अगर आप चेक करें तो 8 और ये 52 हो गया प्लस 40, 52 प्लस 40 आपका निकल कर आया और ये डिस्टेंस फिर से 36 निकल कर आया, तो क्या हो जाएगा, ये 8 और ये 549 और 312, मतलब 128 आपका क्या होता है, 16 का मल्टीपल है, मतलब ये भी क्लियर हो गया। तो आपको जो नंबर ऑफ पर्सन बन रहा था और जो आपको फ्रूट्स दिया हुआ था 5 फ्रूट्स, ये भी आपने क्लियर कर लिया, और कौन सा पोर्शन किसके लिए जाता है ये भी आपने सेटिस्फाई कर लिया। तो देख रहे हैं आप सब कि कितना ही अच्छा आपके लिए पजल था, राइट, एक तरीके से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन क्वांट मिक्स था आपका इस रीजनिंग में, और होप्स हो कि आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर होगा, और इसीलिए मैंने हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप लेकर यहां पर चलने के लिए सोचा, और राइट आप लोगों के लिए यह काफी बेनिफिशियल भी होगा।
क्योंकि अगर यहां पर मैं डायरेक्टली स्किप कर देता तो आपके पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो आप शायद क्लिक नहीं कर पाता और इवन आपके लिए क्लियर नहीं हो पाता। तो मेरा यही मोटिव था कि आप लोगों को यहां पर पॉइंट बाय पॉइंट हर एक पॉसिबल केस को समझाना है, कैसे आपको ये डिविजन लेना है, राइट। और मैं अपने तरफ से तो बहुत कोशिश किया, राइट, लेकिन आप लोगों के तरफ से अब कोशिश होना चाहिए। कितना आप लोगों को समझ में आ रहा है, या फिर अभी भी आप लोगों को पॉइंट यहां पर से क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल आप ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हम सब फिर मिलते हैं एक और भी अच्छे पजल के साथ, जो आपके आईबीपीएस पीओ के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा होगा। तो आप सब बस प्रैक्टिस करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट इसे शेयर किया कीजिए। जो चीजों को आप तक मैं कोशिश कर रहा हूं पहुंचाने का, आप कोशिश कीजिए किसी और तक पहुंचाने का, राइट। यही है ह्यूमैनिटी, शेयरिंग इज केयरिंग, माय डियर फ्रेंड्स।